महत्वपूर्ण हमार विधानसभा के चुनाव होए पर जाते छत्तीसगढ़ में और चुनाव के प्रचार प्रसार यहाँ चलत है और हमर बीच हमला बहुत खुशी है। हमर छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय और हरदिल अजीज मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, हमर आदरणीय मंत्री श्री मोहन मरकाम जी, हमर आदरणीय श्री कोको पाड़ी जी पूर्व अध्यक्ष युवक कांग्रेस, हमर ब्लॉक अध्यक्ष श्री विजय कुमार साहू जी, श्री रवि कश्यप जी, हमर बीच उपस्थित हमारे आदरणीय मंजीत भैया, आदरणीय तौकीर भैया, इस्तू भैया, तन्नी भैया, हमर अनिल दानी जी, हमर राम कुमार पटेल जी, उमाकांत प्रधान जी, हमर रिखी राम सोम जी, हमर सागरा से श्री हेमंत कौशिक जी, हमर पिथौरा से आदरणीय कुलवंत खरुजा जी, टीटू भैया, आदरणीय मंटू भैया, आदरणीय अजय नंद जी, आदरणीय हमर दिनेश नामदेव जी, शैलेंद्र डरसेना जी और समस्त हमर क्षेत्र के जितने भी मतदाता भाई बहनी हैं इकट्ठी हुए हैं, आप सब ला मैं बहुत बहुत अपन तरफ जोहार करत हूँ। आप मन जाना था विधानसभा के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते और विधानसभा के चुनाव से ये फैसला होते कि हमर प्रदेश कौन से दिशा ला धरी। आज हमार ला खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब से आप मन 2018 से उमल्ला आशीर्वाद दे रहा, हमल्ला आशीर्वाद दे रहा, तब से हमर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण, हमर छत्तीसगढ़ के किसान और हमर छत्तीसगढ़ के मजदूर में एक खुशहाली नजर आत है। और हमर भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री जी के जो योजना है जो धरातल में सफल हो है, जेकर सीधा लाभ हमर जनता मन ला मिलत है, ओला आप मन स्वयं महसूस करा था और सोचा था। आज हम अल्लम भूपेश बघेल जी जैसे नेतृत्व ही छत्तीसगढ़ ला सही विकास के रास्ता में लाही। पिछले बार 2018 के पहले भारतीय जनता पार्टी के शासन रही और ये 15 साल में लूट खसोट के अलावा भारतीय जनता पार्टी हर कोई भी काम नहीं करी। किसान मन ला ठगी, आदिवासी मन ला ठगी और आप मन जाना था किसान मन जब आंदोलन करी तो धमतरी में उमन के ऊपर लाठी चार्ज करके उमन पर झूठा केस फंसा करके सब ला जेल में बंद कर दी। हमारे आदिवासी समाज के भाई मन जब रायपुर में अपन शांतिपूर्ण तरीका से प्रदर्शन करत रही तो उमन के ऊपर में लाठी केस और वस्त्रों के चला करके उमन के लभी जेल में बंद कर दी। तो ऐसे जो मूल हमर छत्तीसगढ़ के किसान है, हमर मूल जो निवासी है आदिवासी भाई मन और अनुसूचित जाति के भाई मन के ऊपर जो अत्याचार भाजपा के शासन काल में हो है, बोला जनता हर नहीं बुला रही है। ओमला कभी बोनस दू कही, कभी 2100 रुपया दू कही, लेकिन भाजपा हर एक भी वादा ला पूरा नहीं करी और ओकरे पर परेशान होकर के तंग होकर के जनता हर हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी के सरकार बनाई और 68 सीट में कांग्रेस पार्टी ला सत्ता में बिठाई और भाजपा ला 14 सीट में सिमटा के रख दी। तो ये छत्तीसगढ़ के जनता के आशीर्वाद है कि आज बहुत ही सफलतम ढंग से कोरोना काल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो सेवा हमर जनता के करे हैं, हमर अन्य प्रदेश के करे हैं, यह पूरा देश में एक प्रेरणा साबित हुई है और हमर छत्तीसगढ़ के योजना ला दूसरा प्रदेश के मन ओमन के जो काम रही थे ओला दूसरा प्रदेश के मन भी ओला मानिन है। तो आज हम सब बहुत ही सुरक्षित हाथ में हन, बहुत सुरक्षित नेतृत्व के हाथ में हन और निश्चित रूप से आज जितने भी हमर चाहे वो शासकीय कर्मचारी हो, चाहे हमर किसान हो, ओमन स्वयं कांग्रेस के प्रति एक आशा भरी निगाह से देखत है और हमन ला पूरा आशीर्वाद पूरा विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ ला माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में और आगे जाए और छत्तीसगढ़ देश में एक ऐसे राज्य रही जहां खुशहाली ही खुशहाली हमर प्रदेश में रही। आज हमर छत्तीसगढ़ के योजना दूसरा प्रदेश पर एक आदर्श बने हुए है, जिला
हमन माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद देबो। आज छत्तीसगढ़ के पहचान पूरा देश और विश्व में अलग है। छत्तीसगढ़ संस्कृति, छत्तीसगढ़ खेल, छत्तीसगढ़ व्यंजन, ये सब ला पहले कोई जानत नहीं थी। वो आदमी बुलाता रही ने वो सब ला माननीय मुख्यमंत्री जी संरक्षण दे करके ओला आगे बढ़े, मजबूत करें और दूसरा देश दुनिया के मन भी ओला जाने पर लगी। तो मैं आप मन से ये कहना चाहूँ, भाजपा के झूठा वादा में, झूठा भुलावों में हम अल्लाह आना नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी के जो योजना है, हमारे सरकार के मुख्यमंत्री जी के जो योजना है, ओला अपन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी ओला अपन स्वयं मुखारविंद से आप मल्ला बयान करी और हमल्ला निर्देश दी, हमल्ला मार्गदर्शन करी। निश्चित रूप से जे हर पूरा प्रदेश ला मार्गदर्शन करते वो आज हमारे बसना विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। ओमन के कृपा और आशीर्वाद सदा बसना क्षेत्र के ऊपर में रहे हुए, चाहे वो पुल पुलिया हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, बराबर हमारे ये क्षेत्र लाओ मंदिर है, जेकर पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आभार और धन्यवाद व्यक्त करत हूँ। और आप मन ला मालूम है, हमारे मुख्यमंत्री जी जितना भी हमारे समाज है, हर समाज चाहे कोलता समाज ले लो, हमारा आदिवासी, हमार जो तेली समाज है, हमार अन्य जो भी समाज है, सब मन के बराबर मान बढ़ाएं और सम्मान करें और उमन के आवश्यकता और जरूरत के अनुरूप उमन का कहते हैं अपन उमन के सामाजिक एकता पर, सामाजिक संगठन पर मुक्त हस्त उमन जो सहयोग करे हैं वह निश्चित रूप से सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इकलौता मुख्यमंत्री है जेमन हमारे सब समाज ला एकता के सूत्र पे पिराए फिरोए बार ओमला जागरूक करे बार अतका सहयोग और सहायता ओमन दे हैं। निश्चित रूप से आज हर वर्ग हमार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, हमार कांग्रेस पार्टी के सरकार से बहुत खुश है और हम सब ला आज आप सब मतदाता भाई बहन के आशीर्वाद के जरूरत है। हमार ला पूरा आशा है कि आपके आशीर्वाद मिली तो हमार और भी जो हमारे क्षेत्र के कई काम है जो नहीं हो पाए है ओला भी हमन बराबर मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से पूरा करबो और हमारे क्षेत्र ला सुविधा संपन्न बनाते हुए, विकास के रास्ते में आगे बढ़ाते हुए एक विकसित विधानसभा क्षेत्र बनाए के हमारे सब के सम्मिलित प्रयास रही। आज में समय ज्यादा आप मन के नीलो, माननीय मुख्यमंत्री जी के फिर से मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करत हूँ कि उन्हें अतका व्यस्ततम समय में, अतका कम समय में 90 विधानसभा सीट में उन्हें बसने ला भी एक प्राथमिकता दी और हमला अपन समय दी। एक बार उमन के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देत हूँ और उम्मीद करत हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आय से निश्चित रूप से बसना क्षेत्र के जनता ला नई ऊर्जा प्रदान हुई, नया मार्गदर्शन मिली और हमन क्षेत्र के सेवा में, जनता के सेवा में निरंतर यूं ही आगे लगे रहो और कांग्रेस ला विजय दिला करके छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाबो। आप सब के जय जोहार करते हुए मैं अपन बात ले यही समाप्त करत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।